तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दृषि बड़ा स्टोर। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। फिलहाल अब ये देखिएगा, आज हमारा जो है सेकंड डे है। जैसा कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो, तो आपके कमेंट भी मेरे पास आए। तो चलिए ठीक है, फिलहाल ये रही हमारी गुलाब के पौध, जो कि हमने 23 पौधे हैं और जो पुष्पा वाइडन से हमें मिले हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, अगर आप हमारी वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, चैनल पर विज़िट करिएगा, वरना आपको जो है आई बटन में इसका लिंक दिख रहा होगा, आप वहां जा करके इसे जो है उसको उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारे पौधे हैं, ये 23 पौधे हैं। तो 23 पौधों के लिए हमने जो मीडिया मिक्स लिया है वो गोबर की खाद, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी था पिछली बार, काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने दिखाया है, ये मेरी गोबर की खाद है। और गोबर की खाद के साथ वो राइस हस्क है, राइस हस्क के साथ ही ये हमारी कोकोपीट है। ये तीन पार्ट में मैंने लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ ही मैंने क्या लिया है। तो इसके साथ ही हमने लिया है, ये सबसे पहले हम लेंगे, जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं, ये संजीवनी का ट्राइकोडर्मा, जो कि हमारे पौधों के रूट्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी भी तरीके की स्केल प्रॉब्लम या फिर रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। तो हम इसको मिक्स भी करेंगे। और ये देखिएगा, ये हमने लिया है ट्राइकोडर्मा, तो ये है फंगीसाइड, ये देखें आप, इसको आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ज़रूर ले लीजिए, वरना आप माइक्रोराजा करके फंगीसाइड आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं माइक्रोराजा को भी। तो इसी के साथ हमने दूसरा जो आइटम लिया है वो आइटम ये है, हम इसमें दो चीज़ें ऐड करेंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम नए पौधों को लगा रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। और केमिकल फर्टिलाइजर तो ख़ास तौर से आप बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये आप देख रहे हैं नीम पाउडर है, और कैसे उपयोग करें ये लिखा हुआ है, 20 से 10 100 ग्राम के प्रति पौधा के हिसाब से आकार में ले सकते हैं आप, जिस हिसाब से भी आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। इसकी कीमत क्या है मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में बताऊँगा, मतलब मैंने जो परचेस किया है उस वाले अपने जो वीडियो बनाऊँगा मैं, उसमें आपको उसको बता दूँगा कितने कितने रुपये के मुझे ये पड़े हैं। तो ये है हमारा, और दिखा देता हूँ मैं नीम खल कैसी है। ये बागीचा वालों की है, जो बरेली में हैं बागीचा वाले, उनकी है ये देखिए। और इस तरीके से हमने पूरा इसको मिला लेना है। ये हो गया हमारा, ये है हमारा पूरा 700 ग्राम नेट वेट, 700 ग्राम के करीब है, अभी मैं बताऊँगा। और दूसरा हम जो ऐड कर रहे हैं वो है ये देखिए बोन मील, ये भी बगीचा वालों का है जो कि बरेली में स्थित है, और इसकी जो 800 ग्राम इसकी जो है वेट है। आप इसको वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये देखें ये है बोन मील, ये होती है ये बोन मील होता है, थोड़ा स्मेल होती है इसके अंदर, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसको हटा दीजिएगा, और क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 800 ग्राम मैंने ले लिया है, ये मैंने 20 से 23 गमलों का इंतज़ाम किया है। और आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो मैंने गमले पिछली बार अभी जो खाली किए थे, उनमें सारे के सारे में देखें, मैंने अभी इस कैची की सहायता से होल बड़े करी हैं, सारे के सारे खोल दिए हैं, जैसा आपको दिखाया था मैंने पिछली बार वीडियो में। इसके भी अभी मैंने गमला बदला है, इसका भी बिल्कुल रिसेंटली, ये है देखें, ये मदर प्लांट, ये वाला मैंने बिल्कुल चेंज किया है, क्योंकि इसके अंदर भी इसी तरीके के ये 6 सारे बंद थे, सिर्फ 2 खुले हुए थे और 3 खुले हुए थे। तो अब चलिए हम इनको जो है, तो अभी हम जो है इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद आपको दिखाता हूँ, मैं आपको मिक्स कर लेता हूँ और हलाय पर लाइफ में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको मिक्स किया है मैंने। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं, हमने अपना जो है सॉइल मिक्स, यानी कि मिट्टी के बिना जो मिक्सर बनाते हैं हम, वो है ये। और ये काफ़ी लाइट वेट है, देख सकते हैं ये हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है बन करके। अब हम इसको लगाने वाले हैं, और हम वन बाय वन सारों को भरेंगे, और आपको दिखाते हैं कि पहले तो मैं आपको एक अपना गमला भर करके दिखा देता हूँ, जो कि है 12 इंच का गमला लूँगा मैं, हालांकि मेरे वो छोटे साइज़ के भी है, तो कुछ इसमें छोटे साइज़ के हैं तो वो मैं छोटे साइज़ वाले ले लूँगा, बाकी हम बड़े इंच जो 12 इंच के हम लेकर के आए हैं परचेज़ करके अभी ख़रीद करके रिसेंटली, तो उसको हम बड़े साइज़ वाले
बड़े साइज के अंदर लगाएंगे। चलिए अब मैं निकालता हूँ इसमें से अपना एक रोज प्लांट जो कि सबसे ऊपर ही होना चाहिए था, और ये है तो दोस्तों ये है मेरा एक रोज प्लांट, देख सकते हैं ये है सिंगल प्लांट और इसकी रूट काफ़ी अच्छे से जो है डेवलप है, ये देखिएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पुष्पा बिटन वालों को। तो ये पौधे की कंडीशन है, बड़ा अच्छा पौधा है और इसमें जैसे जैसे कि देख रहे हैं ये बेसल शूट भी निकल करके आई है, और एक ये आई है और यहाँ से भी देखें शूट से निकल रही है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा 12 इंच का गमला। तो अभी हम इसको लेंगे इस तरीके से, क्योंकि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसकी जो छेद हैं सारे खुले हुए होना चाहिए होल। अगर ये खुले हुए नहीं है तब आपको समस्या हो सकती है, जैसा कि मुझे समस्या आई और मैंने काफ़ी सारे अपने जो है गुलाब रिपोर्ट किए हैं। तो फिलहाल मौसम भी सही है, अभी आप क्लाइमेट के अनुसार बिल्कुल ही रिपोर्ट कर सकते हैं। आप इसके नीचे जो चीज़ लेना चाहते हैं, किचन वेस्ट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई खरपतवार वगैरह वो भी लेना चाहते हैं तो वो इसमें डाल दीजिएगा, वो डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लेने वाले हैं, और देखिएगा इसकी जो ग्राफ्टेड एरिया है ये आप इसके लेवल से रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसकी जो आईडी है वो भी बताऊंगा मैं क्या है, देखूंगा अगर मेरी समझ में आती है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आपसे पूछा भी था इनकी आईडीज़ के बारे में, बहुत से लोगों ने कमेंट किए भी है। तो फिलहाल देखते हैं हम इसको, और आपकी फिर से आपको एक बार और दिखा दूंगा मैं कि इसकी आईडी क्या है, आप मुझे बताइएगा फिर से। तो ये देखिएगा इसकी काफ़ी लाइट वेट हो चुका है ये हमारा मीडिया काफ़ी लाइट वेट है। और ये देखें यहाँ से कैमरामैन जरा करीब से दिखाएं, लेवेंडर है, इसको लेवेंडर बोलते हैं, ये देखिए मेरे ख्याल से लेवेंडर है या कुछ और है, आप करीब से दिखाएं। और कैमरामैन जरा ये देखिएगा, ये आप मुझे पढ़ के बताइएगा यहाँ वीडियो को पुश करके। तो चलिए ठीक है, ये हमारा सिंगल पौधा लग चुका है। अब इसको आप जो है मैंने जैसे आपको बताया इसको इतना ही बस रखना है, और यहाँ से देखें बेसल शूट्स जो है निकल करके आएंगी। तो यहाँ पे हम पानी देंगे, पानी देने से पहले अब हम आपको सारे पौधे लगा करके दिखाते हैं हाइपर लैब के अंदर, फिर आपको मैं इनका ड्रेनेज सिस्टम भी दिखाता हूँ। और इस तरीके से इसको लगाना है सारे के सारे पौधों को, और ये देखें काफ़ी लाइट वेट है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये। और चलिए मैं अब दिखाता हूँ, और वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये मैंने सारे जो है अपने प्लांट जो भी मेरे 23 आए थे सब मैंने फिल कर लिए हैं, देख सकते हैं आप, काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, ये नहीं है और ये भी नहीं है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और वो लास्ट में रखा हुआ 23, ये मैंने सारे भर लिए हैं। अब हम इनमें देंगे पानी, तो पानी कैसे देना है वो आपको मैंने बताया ही था कि इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहने वाला है। तो फिलहाल जो हमने रात ट्राइकोडर्मा का जो पानी हमने लिया था, इसमें ट्राइकोडर्मा, इसमें रात भर पेड़ फूले रहे थे इस गमले के अंदर, ये मेरा 18 इंच का गमला है। तो फिलहाल यही वाला पानी मैं जो है देने वाला हूँ, और आप जो है एक पूरा एक डिब्बा एक गमले के अंदर दे दीजिएगा। और ये इसका जो सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जब तक मैं पानी भी देता रहूंगा और आपको पता भी चल जाएगा कि इसका जो पानी है नीचे से ड्रेन हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ कमी हमारी भी थी पिछली बार, उसमें जो था छेद नहीं हमने किए थे सही से। तो इस तरीके से आप दे देना, तो इसको चाहें तो शेड में रख सकते हैं और चाहें तो आप जो है इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के अनुसार आप ये काम कर सकते हैं। तो फिलहाल ये तो है क्या बोलते हैं, अभी इस टाइम मौसम जो है ठीक है, ठंडा है फिलहाल, फिर भी आप जो है शेड में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखें इस तरीके से ये कुकल भी हो चुका है, तो कुछ मीडिया बैठेगा, ये पानी देखें यहाँ से ड्रेन हो चुका है, यहाँ से भी ड्रेन होने लगा है, अभी इनमें से भी ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल पूरी तरीके से नहला देना है, और पानी जो है फंगिसाइड का ही
देना है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपका कोई सवाल हो मन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़। और इसी तरीके से हम सारे पौधों में अपने पानी दे देंगे।